मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो अप्रैल का महीना होगा, इसमें थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। आपकी इनकम में बड़े बदलाव आएंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, एनर्जी सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर और ज़मीन से जुड़े कामों में थोड़ा बच के रहें। शनि मंगल के ग्रह युद्ध होने वाला है अप्रैल के बीच में। 14 अप्रैल के बाद से सूर्य का गोचर आपके लगन में होगा और पंचमेश के उच्च होने के कारण आपको गुस्सा बहुत आएगा। आपको अपनी नॉलेज पे विश्वास भी बहुत होगा, परंतु यहाँ पे ईगो को अपने से दूर रखें। अहंकार को दूर रखेंगे तो कार्य की गति में तेजी आएगी और सारे कार्य पूरे होंगे और आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। परंतु विवाह क्षेत्र में थोड़ा संयम बरतें। बच्चों के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सॉफ्टली रखें। सामने वाले के भी सुने, विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ें। नए बिजनेस के योग बनते हैं, परंतु एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट या नए बिजनेस को शुरू करने से पहले फाइनेंस का असेसमेंट करना आवश्यक है, वरना अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो महीना है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, परंतु राहु शुक्र का मिलन, बुध का गोचर बार बार लगन और बारहवें भाव में थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ साथ एंग्जाइटी भी दे सकता है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम का नाम अवश्य लें, सूर्य नमस्कार का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। वृषभ राशि। अगर आपका चंद्र वृषभ राशि में है तो उच्च के चंद्रमा के साथ आप उपस्थित हैं और इसका मतलब यह है कि आपके लग्नेश शुक्र एकादश भाव में जाएंगे। उसके साथ साथ दसवें भाव में शनि और मंगल की एक युद्ध जैसी स्थिति होती है, जिससे करियर को लेकर के चेंजेस आ सकते हैं। करियर चेंजेस में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, सोच समझ के करें, क्योंकि रीज़न ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रीज़न ऑफ चेंज में कोई त्रुटि आ गई, जैसे कि किसी के साथ कंपैरिजन, किसी के साथ मोल भाव किया है, किसी के साथ युद्ध जैसी स्थिति है, किसी को साबित करना है कुछ, गलत रहेगा। आप अपने लिए चेंज करें, अपने करियर को बेटर बनाएं, अपग्रेड करें, परंतु किसी के बातों में ना आए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो आपके बारहवें भाव में है वो कुछ ही समय में आपके लगन पे आ जाएंगे, यानी कि 1 मई से वो आपके लगन पे आ जाएंगे। तो बृहस्पति की पूर्ण कृपा आप पे प्राप्त होगी, तो तब तक संयम बरतें। और शनि मंगल भी आपके दशम भाव में एक साथ आएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, पैकेजिंग सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु बॉस के साथ झगड़े होने की संभावना बनती है। जो लोग IAS, IPS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ही हैं। शायद आपकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और इच्छाओं की पूर्ति करते करते आपसे गलती हो जाएगी, तो उस बात का आप ध्यान रखें। भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मिथुन राशि। अगर आपकी मिथुन राशि है, जन्म राशि, तो यहाँ पे शनि मंगल की नवम भाव में उपस्थिति एक असमंजस की भावना ला सकती है। साथ ही साथ उच्च के शुक्र 10th हाउस में नए करियर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। आपको सडन नेम और फेम मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके मन में धर्म संकट आ सकता है। इनफैक्ट आपका विश्वास डगमगा सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ईश्वर पे एक अडिग विश्वास होना चाहिए, एक अटल विश्वास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। अपनी ड्यूटीज, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। यहाँ पे दशम भाव में शुक्र, सूर्य, राहु और फिर बृहस्पति का कृतिका नक्षत्र में जाना, ये दिखाता है कि करियर में बहुत सी ऊंचाइयां, स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप हैं तो अवश्य मिलेंगी। जिनके करियर नहीं है उनको भी नेम फेम मिलेगा। यंग एज में बहुत कुछ मिलने के योग बनते हैं, परंतु इसका मतलब ये है कि आपके अंदर धैर्य भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे योग प्राणायाम करके आप वायु को केंद्रित कर सकते हैं और आप अपनी चित्त शक्ति से बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहेगी। उसके साथ साथ घर परिवार में थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन ध्यान से करें। रेबेल एक्ट हो सकता है कि मुझे करियर बनाना है, पैशन फॉलो करना है, सब करें, पर कॉन्सिक्वेंसेस काउंट में रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि मंगल की स्थिति अष्टम भाव में,
थोड़ी सी मानसिक वेदना दिखा सकती है। चेंज तो है ही, शुक्र का नवम भाव में उच्च का हो जाना खुशियों को लाता है। दूर देश यात्रा हो सकती है, जिनके वीज़ा इश्यूज आ रहे हैं उनके वीज़ा इश्यूज दूर हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के योग बनते हैं, साथ ही साथ कॉरपोरेट ट्रैवलिंग के। जो आप जॉब सर्च कर रहे हैं और काफ़ी समय से जॉब नहीं मिल रहा, तो इस समय मन लगेगा। आप इंटरव्यू क्रैक करने के योग बनते हैं और आपको नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के योग बनते हैं, जो आपके मन में जो दुविधा है, फाइनेंशियल दुविधा, उसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मन में अगर कोई डर है तो वो डर दूर होने के योग बनते हैं। तो अगर आप एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, किसी तरह के मेंटल ट्रॉमा से अगर आप पीड़ित हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रामबाण इलाज है। भगवान हनुमान की उपासना करना, साथ ही साथ नारायण के पूजा करना। यहाँ पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य ही डेली जाप करें, उससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। और साथ ही साथ राहु के नवम भाव में सूर्य के साथ होने से पहला जो अप्रैल का हाफ है उसमें विचार बड़े उथल पुथल हो सकते हैं और कुछ शॉर्टकट निकालने का मन करेगा, बिल्कुल ना करें, संयम रखें। सेकेंड हाफ 14 अप्रैल से सूर्य आपके दशम भाव में उच्च हो जाएंगे, जो धन, करियर, नेम, फेम सब आपको देंगे। इसीलिए अप्रैल के पहले 2-2.5 हफ्ते संभल के चले, उसके बाद आपको आपके परिश्रम का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक के लिए सूर्य का गोचर इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने सूर्य आपके अष्टम भाव में पहले 14 दिन और फिर अगले 14-15 दिन महीने के अंत तक सूर्य नवम भाव में। जब तक सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आपको योग साधना से अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तंत्र साधना के का मन करेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा बहुत सारी डार्क चीज़ों में, शॉर्टकट का मन करेगा कि जल्दी सक्सेस मिले। साथ ही साथ यहाँ पे जो फादर इन लॉ हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। आपके हस्बैंड है या वाइफ के फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा चुप जाएं, संयम बरतें। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ सूर्य आपके नवम भाव में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि आपका लग्नेश उच्च का हो रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय के योग बनते हैं। यहाँ पे भगवान सूर्य की आराधना करें और यहाँ पे आप आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्योदय के पहले उठें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ विवाह संबंधित क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, शनि मंगल भी सप्तम भाव में है, तो यहाँ पे अगर आप अपने ईगो को हटा के चलेंगे और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ दे करके चलेंगे विवाह संबंध में, तो अवश्य लाभ होगा। बिजनेस में भी ये इक्वल इम्पैक्ट डालेगा, तो नए बिजनेस न करें, संभल करके चलें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक के लिए ये मिक्स्ड मंथ रहेगा। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो आपके अष्टम और सप्तम भाव में जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, नीचस्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो राशि का सुस्वामी है उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, मतलब आप छोटी छोटी बात पे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपका जो माइंड है वो एक जगह नहीं टिकेगा, बहुत सारे विचार एक साथ आएंगे, बहुत कुछ एक साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से आप ओवरवेल्म फील करेंगे। इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने काम को डेलीगेट कर दें और ज़्यादा टीम बनाएं, अगर स्पेशली बिजनेस में है तो, और जर्नलिंग करें, अपने कार्य की प्रायोरिटी वाइज आप डेली लिखें और लिखित रूप में आप उसे टिक बॉक्स करते चले जाएं, क्योंकि अगर आप दिमाग से चलेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। ट्रेडिंग जो करते हैं, जो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए अच्छा समय नहीं है। और साथ ही साथ नर्व संबंधी या एंग्जाइटी संबंधी रोग भी आ सकते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, नारायण की उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 21,000 मंत्रों का एक माह में जाप पूर्ण कर लें। इसके साथ साथ आपको नए शादी के योग बनते हैं, परंतु यहाँ कुंडली मिलान करना अति आवश्यक हो जाता है और लग्न में केतु होने के कारण यहाँ पे मन नहीं लगेगा और दूसरों के इनपुट्स को ज़्यादा आप ग्रहण करेंगे, तो यही है, तो सकारात्मक इनपुट ग्रहण करें। तो आप इनपुट्स में भागवत गीता का ज्ञान ग्रहण करें और जो सवाल हैं आपको अपने उत्तर साइकोलॉजिकल फॉर्म में भागवत गीता में मिल जाएंगे, उसका अनुसरण करें और योग और ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ें। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है
तो चंद्रमा से छठे हो जाएंगे शुक्रदेव उच्च की अवस्था में अप्रैल के महीने में। उसके साथ साथ आप देखें कि बुध का गोचर भी मेष राशि में जाके वापस मीन राशि में आएगा। तो इन सब से हम देखते हैं कि सिक्स हाउस में बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट हो रही है। मंगल भी सिक्का मोशन भी सिक्स हाउस की तरफ होगा। 10 अप्रैल को मंगल और शनि देव के बीच में एक ग्रह युद्ध भी छिड़ने वाला है आपके पंचम भाव में। तो यहां से ये समझ में आता है कि संतान पक्ष थोड़ी कठिनाई आ सकती है, आपके लोन से रिलेटेड मैटर्स में डिफिकल्टी आ सकती है, आपके लोन्स बढ़ सकते हैं। अभी लोन बढ़ने का मतलब कईयों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस रिलेटेड लोन बोलिए, कोई इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट बोलिए या घर हाउस लोन बोलिए, वो फैसिलिटी मिलती है। पर कुछ लोगों के लिए जो लोन में ऑलरेडी जिनको तकलीफ है, वहाँ पे आपको संभल के चलना होगा। अनावश्यक चीज़ों पे खर्च ना करें। हेल्थ का आपको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसी महीने जुपिटर भी अपने आखिरी पड़ाव में जाएंगे सप्तम भाव में, तो विवाह संबंधी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। और अगर विवाह संबंधी चीज़ों में कुछ कष्ट दिख रहा है तो यहाँ पे वो कष्ट दूर होने की संभावना पूरी बनती है। साथ ही साथ तुला राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, क्योंकि आपके अष्टमेश छठे भाव में आ जाएंगे और शुक्रदेव का उच्च होना छठे भाव में अपने आप में एक कॉम्पिटिशन में कम्फर्ट क्रिएट करता है। आप अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स में से जुड़ते हैं, अगर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ते हैं, तो अवश्य ही आपको एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में अप्रैल के महीने में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आपको आपकी हेल्थ की तरफ अवेयर करेगा। तो ये महीना आपको सेल्फ अवेयरनेस और हेल्थ की तरफ हाईलाइट करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ों में रुकावटें आएँ, पर अगर आपकी ड्यूटी बुलाती है तो आप ड्यूटी को अवश्य फॉलो करें। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो जो अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट हाफ है आपको संभल के चलना होगा, क्योंकि यहाँ आपके चौथे भाव पे मंगल और शनि आपस में ग्रह युद्ध में चले जाएंगे। 10 और 11 अप्रैल को मंगल और शनि में एकदम एक सिंगल डिग्री का फर्क रहेगा, जिससे कि ग्रह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। उसी के साथ साथ शुक्रदेव जो आपके पंचम भाव में उच्च हैं, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। रियल इस्टेट के मैटर्स में सेकेंड हाफ ऑफ मंथ में फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ आपके करियर में भी उन्नति आपको दिखेगी। नए जॉब के आसार बनते हैं, घर से दूर जाने के योग बनते हैं, थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएगा, परंतु आपको सक्सेस अवश्य मिलने वाली है, क्योंकि दो दो ग्रह यहाँ पे उच्चस्थ होने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी दोनों उच्चस्थ रहेंगे सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको नए आयाम खुलने वाले हैं। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए नई दुकान खोलने के लिए ये उत्तम समय हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे नए विवाह के नए योग बनते हैं, नए प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं, आपको आपके जीवन साथी से मिलने के भी योग बनते हैं, परंतु कुंडली मिलान अवश्य करें, क्योंकि बुध की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से एकादश भाव के गंडांत में जाने के कारण, एकादश भाव के नीचस्थ होने के कारण कुछ चीज़ें आपके मन के अनुसार शायद न हो। यहाँ पे आपको मन का अनुसरण नहीं करना, परंतु कर्तव्यों का अनुसरण करना है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल अप्रैल का महीना आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। बस अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर में झगड़ों से बचें और वास्तु दोष का निवारण करें। धनुराशि, अगर आपकी धनुराशि है तो अप्रैल का महीने में तीसरे चौथे और पंचम भाव में बहुत सारा मोशन है, यानी घर में काफ़ी उथल पुथल होने की संभावना है। नई प्रॉपर्टी, नए वाहन के संकेत बनते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में कठिनाई आ सकती है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो वहाँ पे आपको समझ संभल के चलना चाहिए। साथ ही साथ पंचम भाव में लग्नेश बृहस्पति और पंचमेश का शनि के साथ जाना ये दिखाता है कि आपके जीवन में आप किसी कार्य को बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको स्लो डाउन हो जाना चाहिए, अन्यथा आपकी सेहत पे कोई कठिनाई आ सकती है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि भाइयों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, पड़ोसियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसे में संयम बरतें, सॉफ्ट एटीट्यूड रखें। यहाँ पे किसी भी तरीके के झगड़े के या किसी भी तरीके के वाद विवाद के की कोई जगह नहीं बैठती है,
तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभल के चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, और साथ ही साथ नए प्रॉपर्टी के भी योग बनते हैं। कुछ लोग नए भवन में भी मूव इन कर सकते हैं। पूरे मुहूर्त के साथ देख समझ करके आप ये निष्कर्ष पे जाएं कि कब आपको प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि अगर आपकी दशा महादशा अच्छी नहीं है तो चौथे भाव में पड़ने वाला ग्रहण आपसे कुछ त्रुटि करवा सकता है। यहाँ पे भगवान शिव के मंत्रों का जाप ओम नमः शिवाय अति उत्तम रहेगा। मकर राशि, अगर आपकी मकर राशि है तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आपके द्वितीय भाव में शनि मंगल का एक योग बनने वाला है, जिससे आपके सेविंग्स का क्षय हो सकता है। उसके उपरांत आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपको विवश कर दे सामाजिक रूप से थोड़ा सा अलग होने के लिए, नकारात्मक रूप में नहीं, सकारात्मक रूप में, क्योंकि आपके चौथे चतुर्थ भाव में सूर्य उच्चस्थ रहेंगे, तृतीय भाव में शुक्रदेव उच्चस्थ रहेंगे, और जब दशम भाव के स्वामी उच्च हों और जब अष्टम भाव के स्वामी भी उच्च हों, तो ऐसे में अब व्यक्ति अपनी कर्मठता से जीवन में परिवर्तन लाता है, परंतु थोड़ा सा रेजिस्टेंस अवश्य होगा, क्योंकि अब कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं पर आवश्यक होती हैं, दवाई की तरह होती है। तो एक मेडिकल हीलिंग होगी कुंडली की इस महीने, तो आपको यहाँ पे अपनी वाणी पे पूर्ण नियंत्रण रखना है, सार्कास्टिक नहीं होना है, आपको जो बोलना है लॉफुली लीगली बोलें, और किसी भी तरह के वाद विवाद डिबेट अनावश्यक उपदेशों से बचें। और उसके साथ साथ नए मित्र बनेंगे, बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में अपना रास्ता तय कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में भी जाएंगे, और इससे नए जॉब, नई प्रॉपर्टी के, देश विदेश व यात्रा के योग खुलने वाले हैं। परंतु आपको ये देखना है कि हो सकता है कि अनावश्यक व्यय के कारण आपकी सेविंग्स में एक बड़ा डेंट पड़े, तो आप उसको इन्वेस्ट करके रखें, डिसीजन ऐसा लें कि वो किसी को प्रूव करने के लिए ना हो बल्कि अपने जीवन में उन्नति के लिए हो। साथ ही साथ आप भोजन में भी सही सात्विक भोजन करें, एक्सेस कैलोरी वाला जो फूड है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना न खाएं, वरना आपकी तबीयत को नुकसान पड़ सकता है। ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, चेंजेस वाला रहेगा, और ये महीना आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। हनुमान जी की उपासना इस महीने में उपयुक्त है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पे आपके चंद्रमा के ऊपर जब शनि मंगल का योग बनता है, स्पेशली 10 और 11 अप्रैल को, तो क्रोध पे नियंत्रण रखना अति आवश्यक हो जाता है। आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, आप अग्रेसिव भी होंगे और पासिव भी होंगे। कुछ चीज़ों में आप अपने आप को अपने गति बढ़ाएंगे और कुछ चीज़ों में गति में कंट्रोल लेकर के आएंगे, सीमा निर्धारित करेंगे, जो कि एक अच्छा समय है, एक उपयुक्त समय है अपने जीवन में एक बड़े बदलाव, सकारात्मक बदलाव के लाने का। और साथ ही साथ द्वितीय भाव में उच्च के शुक्र धन की वृद्धि करेंगे, जीवन में आपूर्ति करेंगे, चीज़ों को खाली गैप्स को बढ़ेंगे और भरेंगे, और यहाँ पे आपकी उन्नति भी होगी, और साथ ही साथ विवाह के योग भी बनते हैं, परिवार में नए सदस्य जुड़ने के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्ति हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हैं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए उत्तम समय है, बहुत अच्छा महीना है। सूर्य के बलि होते ही सप्तमेश बलि हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये देखना है कि कई बार आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई कार्य कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस में आके कार्य करना बुरी बात नहीं है, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या है, और वो एक समाज के रूप में अच्छा कार्य है। तो बस जो करें सोच समझ के करें, हड़बड़ाएं नहीं, नीजक रिएक्शन अगर आप देते हैं तो आपको यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीन राशि, मीन राशि में सर्वाधिक महत्व रखता है ये महीना मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य, शुक्र, राहु, बुध और तत्पश्चात मंगल का प्रवेश आपकी राशि में होगा, जिसकी वजह से मीन राशि के ऊपर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आने वाले, और ये चेंजेस अभी से शुरू होकर के एक साल तक रहने वाले। इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि अगले साल भी 30 मार्च 2025 को मीन राशि ही सर्वाधिक प्रभावित हो रही है, यानी
बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपके पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, आपके आसपास चेंज आएगा, एक नहीं सारे इम्पैक्ट होंगे, सारे एरियाज ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होंगे, और इसमें धन का बहुत बड़ा रोल है। तो धन को अर्जित करें, लक्ष्मी का अनादर ना करें, आप अपने धन को संभाल के रखें, सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ाएं। होलिस्टिक हीलिंग करने से ना सिर्फ फिजिकल हीलिंग होगी बल्कि मेंटल साइकोलॉजिकल हीलिंग भी होगी। विचार बहुत आएंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे, किसी को भी एग्जीक्यूट करने से पहले सलाह अवश्य ले लें किसी बड़े बुजुर्ग की, एक्सपर्ट व्यक्ति की। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और यहाँ पे जो टूरिज़्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, जिनका हॉस्पिटैलिटी का काम है, जो ट्रांसपोर्ट में कार्यरत हैं या बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। अब ये देखना होगा कि आपके अपना निजी हॉरोस्कोप कितना आपको उसमें प्रोटेक्ट कर सकता है। जो जिन व्यक्तियों का बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, उन्हें इस महीने बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की आराधना करना, मेडिटेशन करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अति लाभकारी रहेगा।